उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के वरिष्ठ पत्रकार संदीप अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले और दबंगों पर कार्यवाही न होने के साथ गिरफ्तारी में देरी होने से पुलिस उठ रहे सवाल को लेकर कैसरगंज में उपजा के कैसरगंज के तहसील अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अध्यक्ष अशोक कुमार सोनी के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने SDM कैसरगंज को कप्तान को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले नानपारा के वरिष्ठ पत्रकार संदीप अग्रवाल पर कुछ दिन पहले दर्जनों दबंगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा भी 323, 504, 506, 427 लिखकर पुलिस ने अपने सर की बला तो टाल ली, किंतु पैसा व पहुंच के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई, न ही धारा 147 बढ़ाया गया लिखा, जिसमें मनबड़ अभियुक्तों का खुलेआम घूमना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया है। इस संबंध में उपजा के कैसरगंज तहसील अध्यक्ष सोनी के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने SDM कैसरगंज पंकज दीक्षित को ज्ञापन देते हुए कहा कि योगी राज में भी यदि दबंगों पर कार्यवाही ना होकर गिरफ्तारी ना हो तो हम पत्रकार बंधु जल्द ही इसके लिए लामबंद होकर धरना प्रदर्शन तो ही करेंगे अधिकारियों के किसी भी सरकारी कार्यक्रम की खबरों का कवरेज भी नहीं करेंगे। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार सोनी, रमन शुक्ला, डॉक्टर अस्मित रस्तोगी, गोपीनाथ मिश्रा, सुनील कुमार गुप्ता, शिराज अहमद कादरी आदि तमाम पत्रकार मौजूद रहे। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नानपारा के उपजा संस्थान से जुड़े हुए संदीप अग्रवाल जी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही गिरफ्तारी कर रही है। उस परिवेश में जो है आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, SDM साहब को